हेलो एवरीवन। तो गाइस इंडिया में 15,000 रुपीज आज के टाइम पे एक ऐसी प्राइस रेंज है जिसमें आपको एक से बढ़कर एक बजट स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, वो भी ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन के साथ। और मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपए, सिर्फ इतना ही जो है प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ही सारे फोन जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में कई लोग जो है वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि भाई कौन सा फोन खरीदना चाहिए उनको या कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 रुपीज़ जो है वो लेकर आया हूँ, और मैं जो है सिर्फ और सिर्फ 3 फ़ोन को की जो है लिस्टिंग करने वाला हूँ। अगर आप इन 3 फ़ोन में से ही कोई सा फ़ोन खरीदते हैं तो वो सबसे बेस्ट होने वाला है अंडर 15,000 रुपीज़। तो इस वीडियो पे आप लोग बने रहिए और इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए ताकि आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। और अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में आपको एक बेल आइकन का भी बटन देखेगा, उसको भी प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो आप लोगों को नोटिफाई कर सकूँ। तो गाइस बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी लिस्ट के 3rd नंबर के फोन की, तो वो हमें मिल जाता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M30। तो गाइस अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाइनीज फोन को खरीदना प्रेफर नहीं करते हैं, तो ऐसे में ये जो फोन है वो काफी कमाल का ऑप्शन उन लोगों के लिए मिल जाता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो आपको 15,000 रुपीज पड़ेगा। उसके साथ साथ इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी ज्यादा कमाल की है। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो इसका जो डिस्प्ले है वो आपको 6.4 इंच का मिलेगा, उसके साथ साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, और इसमें जो है आपको यू लाइक इन्फिनिटी वाला जो है कैमरा मिलेगा फ्रंट में। उसके साथ साथ इसका जो बैक पैनल है वो पूरा प्लास्टिक का आपको मिलेगा। उसके साथ इसमें जो है आपको टाइप सी का सपोर्ट मिलेगा, 3.5 mm जैक भी मिल जाएगा, और इसका जो बेजल्स है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है। उसके साथ साथ जो सबसे बेस्ट मुझे इसमें जो चीज़ लगी है वो ये कि भाई इसमें जो स्लॉट दिया है वो सब कुछ अलग अलग दिया है, लाइक इसमें आप डुअल सिम भी यूज़ कर सकते हो, उसके साथ साथ अलग से जो है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड को भी यूज़ कर सकते हो। अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको सैमसंग का ही एक्सिनो 7904 का जो है प्रोसेसर मिल जाता है, और ये जो प्रोसेसर है बिल्कुल हाई एंड गेमिंग के लिए नहीं है। इसमें आप पबजी वगैरह अगर खेलते हैं तो उसकी जो सेटिंग है, आपको ग्राफिक सेटिंग है, वो आपको मीडियम पे करनी पड़ेगी, तब जाके ये जो है गेम आपको बिल्कुल स्मूथ चलेगा, हाई एंड पे नहीं चलेगा। तो गाइस डे टू डे लाइफ के लिए ये फोन काफी कमाल का है, लेकिन हाई एंड गेमिंग के लिए जो है ये प्रोसेसर नहीं है। कैमरे के बारे में बात करूं तो गाइस सैमसंग का ये पहला ऐसा फोन है जिसमें आपको बजट में ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट मिल रहा है। इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है, वो भी 1.2 एपर्चर के साथ। उसके साथ साथ जो इसका दूसरा कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ वाले सेंसर के साथ, जिसमें आपको 2.2 का जो है एपर्चर मिल जाता है। उसके साथ साथ इसमें जो 3rd कैमरा मिलता है वो जो है वो वाइड एंगल के लिए है, लाइक 123 डिग्री तक का जो है आपको वाइड एंगल दे देता है। तो गाइस इमेज क्वालिटी के मामले में सैमसंग जो है काफी कमाल का ही रहा है, और इसकी जो इमेज सैंपल जो आप अभी देख रहे हैं वो भी काफी कमाल के कलर सैंपल जो है, लाइक इसमें जो इमेज की जो क्वालिटी है और इसका जो डायनेमिक रेंज वगैरह जो है काफी अच्छा है, क्रिस्टल क्लियर जो है आपको इसमें इमेज देखने को मिल जाती है। तो इस प्राइस रेंज में जो है कैमरे के मामले में भी जो है सैमसंग काफी कमाल का है। इसके अलावा इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट कैमरा मिल जाएगा, जो आपको काफी अच्छी सेल्फीज जो है निकाल के दे देगा। ओवरऑल ये जो फोन है इस कैमरे के मामले में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इसकी जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो गाइस हमारे लिस्ट का जो सेकंड फोन है वो हमें मिलता है रियलमी की तरफ से, और उस फोन का नाम है रियलमी 3 प्रो। आई नो बहुत सारे लोग जो हैं वो बोलने वाले हैं कि भाई रेडमी नोट 7 प्रो को इस नंबर पे क्यों नहीं रखा है, तो उसका जो एग्जैक्ट रीज़न है वो मैं आप लोगों को इस फ़ोन के बारे में बताने के बाद बताऊंगा कि क्यों मैंने जो है उसको अपनी लिस्ट में नहीं रखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो गाइज काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, रियलमी की तरफ से ये जो फ़ोन था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा लोग जो है इंटरेस्टेड है इस फ़ोन को लेके। इस फ़ोन के अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं तो ये जो है आपको 14,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस का IPS डिस्प्ले मिलेगा, और इसमें आपको 409 का PPI भी मिल जाएगा, जिसके कारण इसका जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छा जो है आपको कलर प्रोड्यूस करके देगा। उसके साथ साथ इसमें जो है आपको वाटर ड्रॉप वाला जो है फ्रंट कैमरा मिलेगा, और इसमें जो है आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, लाइक इसको अगर आप फोन को फेंकते भी हो तो आपका डिस्प्ले जो है वो खराब नहीं होगा। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अच्छा खासा प्रोटेक्शन आपको इसमें मिलता है। उसके साथ इसके अगर बैक पैनल की बात करूं तो इसमें आपको प्लास्टिक वाला जो है ब्लैक पैनल मिलता है, लेकिन उसमें आपको बढ़िया सा एक S डिज़ाइन में आपको कुछ जो भी है शेड दिखेगा, जिसके कारण फ़ोन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो लाइक डिज़ाइन के मामले में ये मुझे फ़ोन जो है काफ़ी कमाल का लगा है।
अब अगर मैं इसके कैमरे के बारे में बात करूं तो ये रियर में आपको डुअल कैमरे का सपोर्ट मिलेगा। तो पहला जो इनका जो प्राइमरी कैमरा है वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, वहीं इसका जो दूसरा कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो सेंसर लगा है वो सोनी का IMX519 वाला सेंसर लगा हुआ है। ये वही सेंसर है जो OnePlus 6T में लगा हुआ है, जिसका प्राइस जो है वो 32-33 हज़ार रुपये है। तो गाइस सेंसर जो है वो काफ़ी कमाल का है, बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल का जो है सेंसर आपको इसमें मिलता है। क्योंकि सेंसर अच्छा है तो इसकी इमेज क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इमेज के सैंपल्स देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि भाई ये 15,000 रुपये वाला फ़ोन है, क्योंकि काफ़ी अच्छी जो है आपको डिटेल वाली फ़ोटो ये निकाल के देता है। उसके साथ साथ जो नॉइस है वो भी आपको इसमें काफ़ी कम मिलती है और एक्सेलेंट क्लैरिटी के साथ ये फ़ोन आता है। अब अगर बात करो इसके फ्रंट कैमरे की, तो इसका फ्रंट कैमरा भी जो है 25 मेगापिक्सल को सपोर्ट करता है, जिसके कारण इसका जो रियर सेल्फीज़ होती है वो भी अच्छी है, इसमें भी आपको जो है डिटेल वगैरह मिल जाएगी। मुझे एक थोड़ी सी जो फ्रंट कैमरे में कमी लगी है वो ये है कि काफी ज्यादा स्मूथ कर देता है, लाइक थोड़ा बहुत नेचुरल नहीं रहने देता है, जिसके कारण जो है अब ये इसकी जो फ्रंट कैमरा है मुझे थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे लगा है। इस कैमरे के मामले में ये फोन मुझे काफी बढ़िया लगा है। अब अगर मैं इसकी बैटरी के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 4045 mAh की बैटरी मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई इसमें आपको VOOC 3.0 का जो है सपोर्ट मिलेगा, यानी कि जो OnePlus 6T इस तरीके के जो फोन्स में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है उस तरीके का जो है आपको इसमें फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। फटाफट से जो है आपका फ़ोन ये पूरी तरीके से चार्ज कर देगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का जो है 710 का प्रोसेसर मिल जाएगा, और ये जो प्रोसेसर काफी बढ़िया है। अगर आप पबजी वगैरह खेलते हैं हाई एंड ग्राफिक में भी जो है ये गेम को अच्छे से हैंडल कर लेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। काफी फेमस जो है आपको ये जो प्रोसेसर मिलता है, तो गाइस प्रोसेसर और स्पीड के मामले में भी जो है ये फोन काफी कमाल का है। तो ओवरऑल ये पावर पैक्ड फोन है 14,000 रुपीज के हिसाब से। अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो आपको इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से आगे इसको परचेस कर सकते हैं। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि रेडमी नोट 7 प्रो को मैंने क्यों नहीं रखा है, इसकी जगह रियलमी 3 प्रो को क्यों रखा? तो है उसका सबसे ज्यादा जो मेन रीजन है वो ये है कि भाई Redmi Note 7 Pro का कैमरा जो है वो इतना कोई ज्यादा खास नहीं है। उसमें जो है Xiaomi ने ऐसा कहा था कि भाई उसमें अपडेट आ जाएगा तो उसके बाद उसके कैमरे क्वालिटी जो है काफी अच्छी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने 2-3 अपडेट ऑलरेडी दे चुके हैं लेकिन उसमें जो है कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं हुई है एज कंपेयर टू Realme 3 Pro। तो गाइस अगर कोई भी फोन होता है सबसे जो उसका मेन कंपोनेंट होता है वो होता है उसका कैमरा, अगर कैमरा ही अच्छा नहीं होगा तो भाई उसको हम लिस्ट में कैसे रखें। तो इसलिए जो है Realme 3 Pro ने पूरी तरीके से Redmi 7 Pro की जगह ले ली है। तो आप जो है Redmi Note 7 Pro की जगह जो है Realme 3 Pro को परचेस कर सकते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर के फोन की, तो वो हमें मिल जाता है Vivo की तरफ से, Vivo Z1 Pro। तो गाइस मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि भाई Vivo का कोई ऐसा फोन आएगा बजट में जो इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन देगा, लेकिन भाई ये अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा हाइप पे चल रहा है, क्योंकि इसका डिस्प्ले काफी कमाल का है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, बैटरी लाइफ अच्छी है, लाइक ओवरऑल सब कुछ ही अच्छा है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो गाइस अगर मैं बात करूं इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो इसका जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छा है, लाइक इसमें जो है आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन आपको लेफ्ट साइड में जो है आपको कैमरे का जो है कट मिल जाएगा फ्रंट कैमरे का, तो वो जो है काफी अच्छा प्रीमियम लुक दे देता है। फुल HD का जो है आपको इसमें डिस्प्ले मिलेगा, लाइक फुल HD प्लस का इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा। अगर बात करूं प्रोसेसर की, तो गाइस प्रोसेसर भी जो है इसमें आपको 712 का स्नैपड्रैगन मिल जाता है। ये प्रोसेसर भी जो है काफी कमाल का है गेमिंग के लिए, और इसका जो GPU जो है वो भी इसमें जो है बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। तो हाई एंड गेमिंग जो है आप इस चिप के थ्रू कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगा। हाई एंड ग्राफिक सेटिंग में जो है आप पबजी खेल सकते हो, लैग नहीं मारेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया पॉपुलर जो है ये प्रोसेसर माना गया है। अब अगर बात करें इसके कैमरेज की, तो गाइज इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरे का सपोर्ट मिलेगा। इसका जो प्राइमरी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, यानी कि 1.2 का जो है आपको एपरेचर मिल जाएगा। उसके साथ इसका जो दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, जो वाइड एंगल को सपोर्ट करता है, यानी कि 2.2 का एपरेचर मिलेगा इसमें आपको। और इसका जो लास्ट कैमरा यानी कि थर्ड कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का है, जो डेप्थ सेंसर वगैरह के लिए यूज होगा। अब अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट कैमरे की, तो गाइज इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का जो है फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करें इसकी इमेज क्वालिटी और
इसकी पिक्चर क्वालिटी की, तो गाइज अभी के टाइम पे ये फोन जो है कैमरे के मामले में बहुत ही ज्यादा हाइप पे चल रहा है, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी निकल के सामने आई है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आई है और लोग जो है बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड भी है, क्योंकि अगर आप पिक्चर्स को ध्यान से देखते हैं तो चाहे वो दिन हो रात हो, आपको इमेज की जो क्वालिटी मिल रही, जो डिटेल आपको ये दे रहा है वो काफी ज्यादा जबरदस्त दे रहा है। अब अगर इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा है, काफी बढ़िया है, पूरा दिन जो है आपका आराम से निकल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं तो बैटरी लाइफ के मामले में भी जो है ये फोन काफी अच्छा है। तो गाइज अगर मैं बात करूं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की, तो गाइज वीवो ने जो है काफी ज्यादा कमाल का काम किया है वीवो Z1 Pro के साथ। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भाई वीवो का भी कभी ऐसा एक फोन आएगा जो इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ धमाल मचा देगा। तो गाइज काफी बढ़िया फोन है, आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन दे रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, सब कुछ बढ़िया है। और मैं आप लोगों को बता दूं ये वो जो फोन है वो 20,000 रुपीज के फोन को जो है अभी बहुत ही तगड़े तरीके से जो है कॉम्पिटिशन दे रहा है। तो गाइज अगर आप 15,000 तक अगर मुझसे कोई फोन पूछते हैं तो मैं आप लोगों को पूरी तरीके से यही फोन सजेस्ट करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छा फोन है। अगर आप इन फोन को जो है परचेस करना चाहते हैं तो इसकी जो बाइंग लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके इन फोन को परचेस कर सकते हैं। अगर आप वहां से परचेस करते हैं तो हमारे चैनल को जो है आपकी तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है या अगर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करके DM कर सकते हैं, तो मैं वहां पे जाके जो है आपके प्रॉब्लम का सलूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।